नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केलकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ, केलकर हॉस्पिटल में। हमारा हॉस्पिटल है, हम सभी प्रकार के जो मानसिक आजार है, मेंटल इलनेसेस है, उनको ट्रीट करते हैं। चाइल्ड साइकेट्री प्रैक्टिस करते हैं, एक डी एडिक्शन क्लिनिक भी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये वीडियो मैंने आपको, पिछली वीडियो में मैंने डिप्रेशन के बारे में कुछ बोला था। तो डिप्रेशन का एक कारण लर्न्ड हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, वो भी होता है। यानी कि हारी हुई एक भावना होती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसके बारे में ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही रहेगा, मेरी सिचुएशन ऐसी ही होगी, मैं उसको बदल नहीं सकता। ये जो फीलिंग्स रहती है, ये जो भावनाएँ रहती है, उसे हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस ऐसा बोलते हैं। तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में आपको मैं बताऊंगी। एक जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो ग्रुप्स थे, कुत्तों के, डॉग्स के दो ग्रुप्स थे। तो एक ग्रुप को उन्होंने एक रूम में बंद किया और वो डॉग्स को काफ़ी सारे शॉक्स दिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स। और ऐसा सिचुएशन था वो रूम में कि वो लोग वो शॉक्स से बचने का कोई भी उनके पास तरीका नहीं था, और वो नहीं, मतलब उनको पकड़ के रखा था और वो नहीं बच पाएंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी। और दूसरा जो ग्रुप था डॉग्स का, उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं दिए थे और वो नॉर्मल डॉग्स जैसे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया पहले, और फिर उसके बाद दोनों जो ग्रुप्स थे, वो एक सेशन होने के बाद और एक सेशन किया जिसमें दोनों ग्रुप्स को साथ में लेके इलेक्ट्रिक शॉक्स फिर से दिए। तो ऐसा पाया गया, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया कि जो जिनको शॉक्स मिले थे, उन्होंने वो कुछ कर नहीं पाए। मतलब ये जो दूसरी वाली जो सिचुएशन थी, वो ऐसे क्रिएट की थी वो कि वो एस्केप कर पाते थे, डॉग्स जो है वो चाहे तो एस्केप कर पाते थे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी। पर क्योंकि उनका जो डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स मिला था, उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंस थी कि वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, इस कारण उन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें भी कोई भी प्रयत्न नहीं किया वो सिचुएशन से एस्केप करने को। और जिन कुत्तों को नहीं मिला था, जिन कुत्तों को शॉक नहीं मिला था, वो इजीली एस्केप कर गए, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, इससे ये टर्मिनोलॉजी निकली कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यानी कि जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन में डाला जाता है शुरुआत से, यानी कि बचपन से, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक मेंटल एटीट्यूड बन जाता है कि आगे जाके भी कोई डिफ़िकल्टीज आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये एक थॉट पैटर्न बन जाता है, और ये इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, अचीवमेंट नहीं कर पाते, हैप्पीनेस जो है, जो भी खुद के लिए जो करना है अचीव करता है, वो नहीं कर पाते, इसके कारण डिप्रेशन आ सकता है। तो ये जो एटीट्यूड है, यानी कि ऐसा सोचना कि आउटकम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्सेस, यानी कि मैं कुछ भी करूँ तो आउटकम तो वही होने वाला है, मतलब ये एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस, कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा, ये जो फीलिंग आती है इसको हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस बोलते हैं। इसमें एक प्रकार की प्रेरणा ही नहीं होती पेशेंट को, या कोई भी व्यक्ति को प्रेरणा नहीं होती, आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, भावनाओं की कमतरता होती है, यानी कि कुछ फील ही नहीं होता कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हेल्पलेस एटीट्यूड बन जाता है। तो ये अगर आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपके साथ भी ऐसे कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुए थे जिसके वजह से आपका एटीट्यूड ये बन गया है, तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं और ये एटीट्यूड ज़रूर बदल सकते हैं, और जो जिस लेवल पे आप हैं उससे आप आगे बढ़ सकते हैं ज़रूर। तो ये जो टर्म है, इसके बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं। तो लर्न्ड हेल्पलेसनेस अगर आपके डिप्रेशन का कारण होगा तो इससे आप ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे के वीडियोस में और जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।